नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, झारखंड में ANM और GNM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर को देखेंगे, और जो कि चैप्टर यहाँ पे आज होने वाला है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, यानि लाइट का रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, परावर्तन क्या होता है? जब किसी सतह से लाइट जो है, प्रकाश जो है, टकरा कर वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो इसको परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन कहाँ पे होता है? अपवर्तन देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक सघन मीडियम से एक विरल मीडियम में जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश मुड़ती है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जनरली अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लाइट के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे परावर्तन जनरली कहाँ पे होता है इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे? दर्पण में होता है परावर्तन, और अपवर्तन को जो जनरली हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, ये अपवर्तन कहाँ पे होता है? ये लेंस में होता है। और अगर सीधी सीधी समझें कि परावर्तन है क्या, तो देखिए, हर रोज़ जो जिस मिरर पे आप अपना चेहरा देखते हैं, तो वहाँ पे उस मिरर में आपके घर में जो आईना है उसमें आप चेहरा देखते हैं, वो एक समतल दर्पण है, और वहाँ पे जो आप अपना इमेज देख पाते हैं, अपना चेहरा को देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, किस घटना के लिए देख पाते हैं, तो वहाँ पे जो घटना होती है वो होती है प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से आप अपना चेहरा मिरर में देख पाते हैं। और अगर अपवर्तन की बात करें, तो देखिए, अगर रात के अंधेरे में अगर आप आसमान के तरफ देखेंगे, तो आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। तो जो तारे टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। तो ये दो घटना के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यह किसी सतह पर ही होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, कुछ लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके क्या क्या नियम है? देखिए, दो नियम है जनरली आपके। एक है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, मान लीजिए एक सतह यहाँ पे बनाते हैं, और लाइट यहाँ से आ रही है, और लाइट सीधी रेखा में क्या होती है? वापस जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बीच में एक अभिलंब खींचते हैं सीधा। देखिए, उतना सीधा नहीं बन रहा है, लेकिन ये जनरली ये सीधा ही होता है। लाइट क्या होता है? सीधी रेखा में आता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो लाइट है आपका, ये लाइट है, ये आपका आपतित किरण है, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। यहाँ पे जो बन रहा है कोण, इसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। और यहाँ पे जो कोण आपका बन रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो पहला जो नियम है आपका लाइट के रिफ्लेक्शन का, तो उसमें क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी जो ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब हम लोग बीच में खींचे हैं और जो आपका परावर्तित किरण है, ये सभी तीनों क्या है? एक ही तल पे होते हैं। देखिए, ये जो आपतित किरण है, जो जो किरण आ रही है यहाँ पे इस तल में, जो जिस पॉइंट पे मिल रही है, और जो यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचे हैं वो भी इसी पॉइंट पर है, और जो परावर्तित किरण है, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो भी इसी पॉइंट पर है। तो ये सारे के सारे तीनों जो होते हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो मिरर है, ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका समतल दर्पण, और दूसरा हो गया आपका गोलीय दर्पण। देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो आपके घर में जो होता है, आप हर रोज़ जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें मेकअप करते हैं, तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर में आप करते हैं। तो समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यहाँ पे कुछ गुण होते हैं उनके। तो यहाँ पे क्या है कि समतल दर्पण जो होता है,
समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। जब आप एक आईने के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, यानी घर में जो आपके आईने होते हैं जनरली चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए, तो वो समतल दर्पण होता है। और जब आप उसके सामने सीधा खड़े होइएगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आपकी जो इमेज बनती है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। देखिएगा, जब आप एक प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखिएगा तो आपका चेहरा उतना ही बड़ा दिखेगा जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा। तो ये है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज होता है ये वस्तु के साइज के बराबर होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, आपका जो वस्तु का जो साइज होता है वो किसके बराबर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है ये वस्तु के बराबर होता है। और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है एक समतल दर्पण पर वो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है। देखिए, जनरली जब आप एक समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होंगे तो देखिएगा कि आपका जो चेहरा या फिर पूरा बॉडी का जो चेहरा वहाँ पे जो इमेज देखेगा एक समतल दर्पण में, एक समतल आईने में जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, और जितने दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर वहाँ पे दिखाई देगा आपको दर्पण में, लगेगा कि उतनी ही पीछे पर आप खड़े हैं उस आईने में। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु के बराबर ही होता है समतल दर्पण में। और फिर क्या है कि प्रतिबिंब पार्श्वतः क्या होता है, उल्टा होता है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं आपके समतल दर्पण के। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे सदैव क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और यहाँ पे वस्तु के जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के साइज़ के बराबर होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या रखा होता है, वस्तु रखा होता है। तो ये यहाँ पे तीनों पॉइंट जो है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें कि गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण उसको बोलते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, गोलीय होता है। मतलब देखिए, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में क्या था, जो प्लेन मिरर है उसमें जो आपके घर में आईना रखा हुआ है जिसमें आप हर रोज़ अपना चेहरा देखते हैं वो क्या है, वो सीधा होता है। लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो इसका जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, ये क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये गोलीय होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण में भी दो तरह के दर्पण होते हैं, एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर कहा जाता है और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाया गया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है, जो अंदर की तरफ जो सतह होती है यहाँ से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो बाहर में जो उभरा हुआ सतह है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेंट किया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, लाइट आपका यहाँ पे अंदर की ओर जो भाग है यहाँ से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ठीक उल्टा होता है, उत्तल दर्पण में इसका जो अंदर वाला भाग है यहाँ पे क्या होगा, पेंट होगा, और आपका जो बाहर वाला जो ये एरिया है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में जनरली, उत्तल दर्पण को आप जनरली कैसे पहचानेंगे कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर में जब आप पढ़िएगा इस चैप्टर को तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको समझना ज़रूरी है तभी आप उस लाइन को समझ पाएंगे। इसमें देखिए आपको ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी ये सारे वर्ड हैं। तो देखिए ध्रुव जो होता है, ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं इसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से इंगित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखिए ये जो आपका गोलीय दर्पण है ये क्या है? अवतल दर्पण है एक, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की तरफ है, और इसका जो बीच वाला भाग है देखिए यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको क्या बोला जाता है? इसको इसको बोला जाता है पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। इसको पी से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। अब बात करें कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है एक गोले का क्या होता है? भाग होता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से गोल बनाएंगे तो क्या होगा? एक गोल, एक आकार का क्या होगा? आकृति बनेगा। तो ये इसका केंद्र है। देखिए जो इसका केंद्र है इस गोले का, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? सी से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, सी से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए आपका वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए ये आपका गोलीय दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव हो गया, जिसको हम लोग पी से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसके बीच का जो दूरी है इसके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे क्या है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए ये आपका है, ये आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आपका वक्रता क्या है? ये आपका वक्रता केंद्र है जिसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं, और ये आपका पोल हो गया, ठीक है? तो यहाँ से जो ये सीधी रेखा जा रही है, ये जो आपको सीधी रेखा जा रही है, ये रेखा जो आपकी सीधी जा रही है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होता है? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है और उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका फोकस जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो देखिए ये जो आपका मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल जिसको फोकस बोला जाता है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका होता है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है इस दोनों के बीच में होता है। और देखिए यहाँ पे आपका फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव यानी ये जो पोल है और ये जो आपका मुख्य फोकस है के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे इंगित करते हैं? स्मॉल एफ से इंगित करते हैं। तो एक तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया आपका फोकस दूरी, ये वाला जो यहाँ पे एफ और पी के बीच में है, तो ये आपका हो गया फोकस दूरी। तो इन सबको आप समझेंगे तभी आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी।
अब बात करते हैं, देखिए किसी भी दर्पण में जो इमेज बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इसके कुछ पैटर्न हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अथवा उत्तल दर्पण अगर रहेगा तो मुख्य फोकस पर क्या होगा, अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो ये मिरर का इमेज है ये एक अवतल दर्पण का मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक किरण जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एक लाइट है, ये लाइट क्या है, लाइट की किरण जो है ये जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर में जा रही है। तो यहाँ पे ये जब प्रकाश टकराएगी इस परावर्तक सतह से तो ये कहाँ पर होकर लौटेगी, तो ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कंडीशन है, क्या होता है कि देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो किरण होती है, अथवा उत्तल दर्पण के जो मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण जो होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी अगर कोई भी किरण, कोई भी जो आपतित किरण है वो अगर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर में ही ये गुजरेगी, मतलब जो परावर्तित होकर जब जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही परावर्तित होकर जाएगी, ये कंडीशन है। और फिर आपका और एक क्या कंडीशन है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो यहाँ पे आपका लाइट गुजरेगा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, ये जो लाइट है ये कहाँ से होकर गुजर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। तो यहाँ से अगर होकर गुजरती है लाइट तो ठीक इसी दिशा में वापस क्या होगी, लौट जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन है। और फिर आपका एक लास्ट कंडीशन क्या है कि जब मुख्य अक्ष पी पर, देखिए यहाँ पे पी है आपका मुख्य अक्ष, जो बिंदु आपका पी पर है जिसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी जो लाइट है ये आपका तिरछी आती है, तिरछी आपतित होती है, मतलब तिरछी यहाँ पे लाइट गिरती है, टकराती है, तो क्या होगा, ये तिरछा ही ये लाइट उतने ही एंगल के साथ फिर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये चारों कंडीशन है, ये यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं ये आपका अवतल दर्पण में है, सेम उसी तरीके से आपका किस में होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके जो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं विभिन्न कंडीशन में, जैसे अगर बिंब की स्थिति, देखिए अगर मान लीजिए कोई बिंब को, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये अवतल दर्पण का इमेज है, तो एक बिंब को मतलब एक वस्तु को अगर हम लोग रख दें अनंत पे, मतलब बहुत दूर पे रख दें, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, या इसका मतलब ये कहाँ पे बनेगा, ये एफ पर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु साइज का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये बहुत सारे कंडीशन है, विभिन्न कंडीशन है कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंब को यानी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सिंपली आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, अगर विभिन्न स्थितियों में अगर हम लोग रखते हैं, जैसे यहाँ पे शीशे परे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, तो देखिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। ये जो एफ और सी है, ये जो आपका एफ और सी है, देखिए यहाँ पे एफ और सी है, इसके बीच में इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये यही क्या है, ये बहुत सारे कंडीशन है यहाँ पे। तो इसी कंडीशंस को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि जब एक वस्तु को
अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर सी से परे रखेंगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे आपका अवतल दर्पण जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है आपके टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो वाहन होते हैं यानी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो आपके बाइक्स होते हैं या फिर मोटर व्हीकल्स होते हैं या फिर कार होते हैं, तो उसके जो हेडलाइट होते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज़ होता है। फिर सेविंग दर्पण जो है यानी जब सेविंग करते वक्त भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और फिर जब देखिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, वो पेशेंट के जो दांतों को देखते हैं तो उसके इमेज को यानी उसकी छवि को यानी उसकी प्रतिबिंब को बड़ी देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का भी बहुत सारी कंडीशन है। यहाँ पे जनरली दो ही कंडीशन है कि एक आपका अनंत पर अगर उत्तल दर्पण पे रहेगा वस्तु की स्थिति तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये आपका यहाँ पे है। और आपका जो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, पी तथा एफ के बीच बनेगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ये आमतौर पर कहाँ पे होता है, वाहनों में जो रियर व्यू के लिए दर्पण लगे होते हैं मतलब जो साइड मिरर होते हैं, पीछे का जो व्यू देखने के लिए जो बाइक्स में या फिर कार्स में या फिर मोटर व्हीकल में जो मिरर यूज़ होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो इसका ये यूज़ है। तो दोस्तों इसके बाद जो भी नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।